ये देखिए सर, इसी पे आज मिल जाएगा आपको। अब गौर से देखोगे तब दिखेगा आपको। ये देखो, ये रहा। एक मिनट, ये रहा। अब देख लो इसके ऊपर चल रहा नहीं, ये रहा, ये चल रहा। बारी बारी, ये थ्रिप्स काटेगा इनके ऊपर। फिर इसकी रोकथाम, कोई रोकथाम चल रही है? इसमें क्या है, इसकी अलग अलग स्टेज होती है। कुछ ज़मीन पे उपचार करना पड़ता है, अंदर जाकर छुप जाएगा और वहाँ पर मेटिंग करता रहेगा। यूँ ये फूलियों रहेगा तब इसके अंदर मेटिंग करेगा और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। स्प्रे करोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, बाकी फूल के अंदर जो है वो बचा रह जाता है। इस वजह से इसकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहती है। तो इसको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, एक तो ज़मीन के ऊपर आपको कीटनाशक का ऊपर उपयोग करना पड़ेगा, साथ में ऊपर भी स्प्रे करना पड़ेगा। दोनों तरीके से आपको इसकी रोकथाम करनी पड़ेगी। ये 3 महीने की क्रॉप है। कितनी उम्र है खीरे की? इसकी उम्र होती है 120 से 140 दिन। 120 से 140, 3.5 महीने की। हाँ जी, 35 दिन में, गर्मियों में 35 दिन में चालू हो जाता है और सर्दी में 45 दिन में चालू हो जाता है। ये इसमें रोग तो सब में आता है। रोग अंदर अंदर का तो एनवायरनमेंट सुटेबल मिला उनको, जो भी है रोग और बीमारियों के लिए तो सुटेबल एनवायरनमेंट मिला है तो वो तो होंगे होंगे। इसकी अनुमानित लागत 33,76,000 पड़ती थी पहले, आजकल 40 लाख के लगभग पड़ने लग गई। सब्सिडी 70% तक सब्सिडी इसमें, छोटे किसान को 70% है, बड़े किसान को है वो 50% है। कंप्लीट इसका डिपॉजिट होता है या फिर सब्सिडी? सर इसमें दो तरीके से है। NHB में आपका पूरा पैसा जो है आपको खुद को लगाना पड़ता है, खुद को प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, सारा पैसा पहले लगता है। और NHM जो है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है, वो स्टेट की स्कीम है, उसके अंदर केवल फार्मर शेयर लगता है, सब्सिडी का, सब्सिडी काट के केवल जो फार्मर शेयर के रूप में। पहले तो 10,12,800 रुपये थे, लेकिन आजकल क्या है क्योंकि भारत सरकार ने तो पोली हाउस की कॉस्ट बढ़ाई नहीं है और मार्केट में जो है लोहा है, एल्युमिनियम है, जो भी इसमें लगने वाला मटेरियल है उसकी रॉ कॉस्ट बढ़ गई है। इस वजह से लगभग 40 लाख का पड़ता है, तो वो लगभग 15 लाख के लगभग इसका खर्चा आने लग गया फार्मर शेयर के रूप में, छोटे काश्तकार के लिए भी 4,000। हाँ, इसके अंदर जो है नीचे ड्रिप का है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इसमें फॉगर लगे हुए हैं और इसके ऊपर जो है टॉपर्स लगे हुए हैं। और भी इसके जो गर्मियों मई जून में जो टेम्परेचर होता है उसे कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर टॉपर्स लगे हुए हैं, यानी टॉप के ऊपर स्प्रिंकलर सिस्टम लगे हुए हैं, तो वो चला देते हैं तो टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री डाउन आ जाता है। उसके बाद में अगर और डाउन लड़ना है तो फॉगर्स लगा सकते हैं। एक पन्नी का लाइफ होता है सर 5 साल के लगभग, 3 से 5 साल होता है। अगर बरसात में उसमें आंधी में अगर फटे नहीं तो इसकी 5 साल तक आराम से कोई दिक्कत नहीं आती सर। मौसम भाव भी अच्छा है मिले तो आराम से 15 लाख के लगभग, 16 लाख के लगभग आराम से हो जाता है कई बार। तो मतलब एक बार एक सीजन में अपन एक ग्रीन हाउस में वो कर सकते हैं फिर? बिल्कुल, NHM के यदि से करें तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आपके सामने है, रेनी सीजन बिल्कुल निकला है तो नहीं हो रही है, वही मैं देख रहा हूँ आपके सामने है। आ रही है कहाँ पे? मेरे पास भी पोली हाउस। अच्छा, 2,000 का? नहीं, 2,000 का। तो ये केवल ग्रोथ का ज़्यादा इशू होता है।
ग्रोथ का सर आपके सामने है, ग्रोथ का ये जून में लगाई गई फसल है और पूरा रेनी सीजन आपके सामने निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि मौसम अगर नहीं, मौसम जो है देख लेते ना कि कितनी उसमें नमी है, नमी का ही तो ध्यान रखना पड़ता है। आप अगर नहीं ध्यान रखोगे तो इसके ऊपर नमी ज़्यादा आ जाएगी तो विल्ट आ जाएगी, विल्ट आएगी तो वैसे भी बीमारी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में दिखाऊंगा उसमें विल्ट आई थी, कंट्रोल ही नहीं हो पाई। विल्ट क्या होती है? फंगस आती है, कवक, नीचे से जड़ें गल जाती हैं। जो रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं उनको मारने का काम करता है, साथ में लट और दीमक को भी ख़त्म करने का काम करता है। स्प्रे है क्या क्या डालता है इसमें? मेटराइजिया का कल्चर, मदर कल्चर प्लस गुड़ और पानी, इसके अलावा और कुछ नहीं डलता। डेवलप करें और खेत में दे सकते हैं। इसके अंदर वावेरिया वेशियाना है, तरीका सब में डेवलप करने का एक ही है, वो गुड़ डालना पड़ता है, पानी। और वावेरिया वेशियाना भी रस चूसने वाले जो कीड़े हैं उनको ख़त्म करने का काम करता है और ये केवल स्प्रे के अंदर काम में आता है। इसके ऊपर पेसिलो माइनस है, ये जो जड़गांठ होती है, आप कह रहे थे अभी, कह रहे थे कि जड़गांठ, उसको रोकने के लिए है। इसमें क्या डलता है सर? कल्चर इसमें मदर कल्चर जो आप लेके आएंगे वो डलेगा, साथ में गुड़ डलेगा और पानी डलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। सभी में गुड़ और पानी है और मदर कल्चर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। 200 लीटर का इसमें कितना गुड़ चाहिए? 200 लीटर में 2 किलो, एक बार में 2 किलो, जब भी आप पानी, जितना पानी निकालेंगे उसके एवरेज में आप डालना पड़ता है। उसके अलावा इसमें है वर्टिसिलियम लेकानी, ये भी रस चूसने वाले कीड़ों के लिए, ज़मीन में लट वगैरह हो जाती है, दीमक हो जाती है, उसके कंट्रोल करने के लिए है। इसमें ट्राइकोडर्मा है जो हानिकारक फंगस को ख़त्म करने का काम करती है, खुद फंगस है लेकिन दूसरी जो फंगस है उसको ख़त्म करने का। उसमें सुडोमोनास है, वो बैक्टीरिया है लेकिन ये फंगस को खाने का काम करता है। लास्ट वाले के अंदर जो है वो डीकम्पोजर है, और भी कल्चर्स हैं जो अभी तैयार होने बाकी हैं। क्या काम करेगा सर डीकम्पोजर? भी हम खेत में देते हैं, जो खेत में पड़ा हुआ जो वेस्टेज पदार्थ है वो सड़ गल कर ख़त्म हो जाए। 7 दिन पहले का तैयार किया हुआ है, आपके सामने है, दिख रहा है, लैब में भी ऐसा नहीं मिलता है। अगर ऐसा मिल जाए तैयार हो जाए, इतना तैयार नहीं होता, इतना तैयार नहीं होता, 7-8 दिन में ये है पोजीशन। ये ट्राइकोडर्मा उससे देते हो ड्रिप से? ड्रिप से देते हैं, हाथ में देते हो? खाद में देते हैं तो खाद में मिला दो, पानी चला दो। जैसे अपना रूड़ी का खाते उस पे डाल के उसको भी डाल सकते हैं, कर सकते हैं। 7 दिन रख के इसको पानी से डाल, बिल्कुल एक महीने में तैयार हो जाएगा अगर आपका गोबर का खाद है। बन जाएगी, उसके ऊपर वाइट वाइट आएगा। अगर आपको अच्छे से सड़ाना गलाना है, डीकम्पोजर का ड्रम पानी का भर लीजिए, उसमें डीकम्पोजर की शीशी डाल दीजिए और जो है 3 से 4 बार उसको अच्छे से पानी उसके अंदर डाल दीजिए, अपने आप सड़गल कर 1 महीने में तैयार हो जाएगा। अरे सारे के सारे डीकम्पोजर वगैरह ये निकलते किससे हैं? ये गाय के गोबर से, गौमूत्र से तैयार किया हुआ बैक्टीरिया। ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो गाय के गौमूत्र से हैं तैयार किए हुए।
लेके आया था, 11 महीने के बच्चे हैं और इनकी खास बात यह है कि 3 से 4 बच्चे पैदा होंगे जब होंगे, एक से एक साल में। नॉर्मली भेड़ 2 बच्चे देती है, ये 3 से 4 बच्चे एक साल में एक बार देगी। तब इनको बाहर नहीं खोलते, गंदे खोलते हैं ना अभी का नगर से अभी का नगर से अभिशान के नाम से वैरायटी है। क्या रेट ये तो उसके एज के अनुसार आता है, एज और वेट के अनुसार। मैं छोटा लेके आया था। तो आप लेकर आए कितना वेट था? मैं लेके आया था, इनकी वेट था 20-22 किलो के लगभग। क्या रेट था इसका? उस टाइम पर रेट था 2.5 से 3 हज़ार रुपये, 2.5 हज़ार रुपये के तो मादा थी और 3.5 हज़ार का नर था। अब ये पूरा वेट होने के बाद लगभग क्या रेट हो जाएगी इसकी? पूरा रेट साल में होगी, पूरा रेट ये हो जाएगा लगभग 17-15 महीने में लगभग अपना पूरा आकार ग्रहण कर लेगी। उसके बाद में इसका वेट हो जाएगा लगभग 45-50 किलो के लगभग। इसमें 18 प्रकार की जैविक कीटनाशक के रूप में है। क्या क्या इसमें? 18 इसमें है। सबसे पहले तो 5 तो जो उसमें आते हैं जीवामृत में काम में आते हैं, गाय का गोबर, गौमूत्र, बढ़िया पीपल की मिट्टी, उसके अलावा बेसन और गुड़, 5 चीज़ तो हो गए। इसके अलावा 6 पौधों की पत्तियां हैं, नीम है, आक है, धतूरा है, गवार पाटा है, खींप है, सब सब को। इसके अलावा नीला थोता है, कड़ी है, लोहा है, तांबा है। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैंने कहा मुसाब आज तो मैं कुछ कहीं पे भी नहीं बता सकता कहाँ पर, लेकिन ये उस दिन मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे अपने परिवार को नाम कहीं ना कहीं और नहीं तो कॉलेज में तो करना ही करना। उसी दिन से लक्ष्य बनाकर मैंने पहले पोलिया हाउस की फाइल लगाई, पोलिया हाउस लगाया और पूर्ण रूप से मैं स्कूल चलाता था। स्कूल को छोड़कर 2016 में मेरी थर्ड ग्रेड की सर्विस लगी थी भीलवाड़ा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग करने नहीं गया, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, ज्वाइनिंग करने नहीं गया क्योंकि मुझे खेती करनी और खेती में आज आपके सामने हूँ। जो मैंने 2016 में फाइल लगाई, 17 के अंदर मेरा पोलिया हाउस लगा, 18 के अंदर मैंने फार्म पॉन्ड बनाया, पहला पोलिया हाउस बनाया, फिर दूसरा पोलिया हाउस बनाया, फिर तीसरा बनाया, 18 में मैंने 3 पोलिया हाउस बनाया। उसके बाद में इस बार ये जो पर लगा रहा हूँ, इसके साथ में विदेशी 8 से 9 प्रकार की सब्जियाँ जो है वो मैं करता हूँ और साथ ही पिछले 3 साल से लगातार स्ट्रॉबेरी का उत्पादन मैं अच्छे से कर रहा हूँ। 1 साल मैंने ट्रायल किया था, 4 साल के अंदर स्ट्रॉबेरी का उत्पादन और अच्छे से मैं उत्पादन ले रहा हूँ और हर साल मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट जयपुर मिल जाता है। शुरुआत में जो मेरे मिलने वाले थे उनको मैंने दिया, कुछ मार्केट में भेजा। अब पोजीशन ये है कि जो मिलने वाले हैं ज़्यादातर उन्हीं के पास में मेरा मार्केट स्ट्रॉबेरी और लेट्यूज वगैरह है और लेट्यूज जो है बागचोई है, लेट्यूज है और आइसबर्ग लेट्यूज है, ये सारे के सारे ब्रोकली है, ये सारे के सारे लालकोटी सब्जी मंडी में बिकते हैं और आराम से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ब्रोकली की रेट ऐसा है जो आपकी गोभी के ऊपर निर्भर करता है कि गोभी का रेट क्या है। गोभी के अगर 10 रुपये है तो इसकी 20 रुपये के लगभग, अगर गोभी आपकी 20 रुपये है तो 40-45-50-75 रुपये तक की। नहीं ऐसा है सर, नहीं मैं बताऊँ, अगर पोलिया हाउस में फसल करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि आपको पोलिया हाउस में फसल करने के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर करना चाहिए। पोलिया हाउस में अगर आप 24 घंटे निकाल देते हो वो भी फर्स्ट डेंजरस, अगर टाइमली उनको अगर आप टाइमली नहीं संभालोगे तो पूरी फसल 3 दिन में या 4 दिन में पूरी क्रॉप पूरा पोलिया हाउस नष्ट हो सकता है। इसमें जितनी अच्छी पैदावार है उतना ही नुकसान भी, लगभग 500-600 पोलिया हाउस हैं, एक भी बंद नहीं, सारे के सारे रन चल रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो नुकसान उठा रहा हो।
कारण ये है क्योंकि हम आपस में कोई भी बीमारी आती है, कोई भी रोग आता है, हम आपस में चर्चा करते हैं, समूह के रूप में रहते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। जो नहीं किसी के पास में भी आता है वो फिर बाद में एक साल अगर आपने की है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सी बीमारियां आती है, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग लेके आओगे तो पता चल जाएगा कि माइट कब आती है, कि सांप फसल लगाने के 30 से 35 दिन में माइट आती है, व्हाइट फ्लाई कब आती है, फसल लगाने के 15 दिन के अंदर व्हाइट फ्लाई आ जाती है, डंपिंग ऑफ कब आती है, जब बीज लगा के 4 पत्ती का या 5 पत्ती का होगा तब डंपिंग ऑफ आ जाएगी, विल्ट कब आएगी तब उसका बारे में, तो हर चीज का ऑटोमेटिकली पता है आपको, प्री स्प्रे आपको करना ही करना पड़ेगा कोई ना, तभी जाकर आप सक्सेस हो पाएंगे, अगर आपने पहले ध्यान नहीं दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। और इसका जो मैं तो ये कह रहा हूँ, अपने यहाँ राजस्थान का क्लाइमेट और इजराइल का क्लाइमेट लगभग समान है, आपसे ज्यादा और आपसे और हमसे ज्यादा स्ट्रगल इजराइल वाले करते हैं, उनके पास में पानी पीने के लिए नहीं है, अपने तो पीने के लिए पानी तो है, उनके पास तो पानी भी जो है समुद्र का पानी को फिल्टर करके काम लेते हैं, तो जब वो कर सके दिखा सकते हैं तो आप और हम नहीं कर सकते। रही बात रिस्क लेने की, आगे आने वाले समय में मैं आपको बता दूं हर आदमी के पास ये इस प्रकार से, पहले फुहारे गिने चुने लोगों के पास से जबरदस्ती दे के जाते थे, ड्रिप जबरदस्ती दे रहे थे, आज सब लोगों की डिमांड ये है कि ड्रिप चाहिए। हमारे यहाँ पर मैं बता दूं जयपुर जिले में पहले 10,000 फाइलों से ज्यादा लगी हुई थी, लॉटरी निकाल कर गत वर्ष बैकलॉग खत्म किया और इस बार 1200 फाइलें लगी हुई थी, 1200 में से 200 लग रहे हैं, 1000 आदमी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं।